हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी को। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो देखिए, इसको समझने के लिए कुछ ऐसे स्टेटमेंट है जो हम जनरली डेली लाइफ में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोबेबली इट मे रेन टुडे, संभवतः आज बारिश हो सकती है। उसके बाद ही मे possibly join politics, हो सकता है कि वो politics join करे। उसके अलावा he is probably right, संभवतः वह सही हो। तो देखिए, इन सारे केस में एक चीज कॉमन है, जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं probably, possibly, probably, तो the word like probable, possibly, likely, chances, etc. तो ये सारे वर्ड्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं किसी एक इवेंट्स के बारे में अनसर्टेनिटी को बता रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। देयर इज अ चांस, ठीक है, टू हैपन दैट सॉर्ट ऑफ इवेंट। तो हम इसको कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी को इट असाइन द न्यूमेरिकल वैल्यू टू द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। जो एक अनसर्टेनिटी को मेजर करे, दैट न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। दूसरे डेफिनेशन हम इसका ये कह सकते हैं कि इट इज द टर्म दैट कैन बी डिफाइंड एज द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट। किसी भी इवेंट के अकर होने के चांस को जो बताए, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। इतना क्लियर? तो देखिए, अगर ये जो डिग्री है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू दैट असाइन टू द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, इफ इट इज वन, इसका मतलब क्या है कि वो जो इवेंट होगा वो हमारा श्योर इवेंट होगा और सर्टेन इवेंट होगा। इसका मतलब कि वो डेफिनेटली होगा ही। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी हम कहें कि वन है, इसका डेफिनेटली मतलब है कि आज बारिश होगी ही होगी। इतना क्लियर? अगर इसकी प्रोबेबिलिटी अगर वन दी हुई है, इसका मतलब वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा ही करेगा। और ही इज प्रोबेबली राइट, अगर यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी असाइन कर दे वन, इसका मतलब कि वो बिल्कुल ही सही बोल रहा है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो झूठ भी बोल सकता है। इतना क्लियर? अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जीरो है, इतना क्लियर, तो इसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अब इम्पॉसिबल इवेंट क्या है? देखिए, जैसे अगर हमारे पास है 1, 2, 3, ये तीन नंबर है, और अगर हमें एक नंबर सेलेक्ट करना है और हमसे पूछा जाए कि वो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो नंबर हमारा 4 सेलेक्ट हो, तो अब जब 1, 2, 3 अवेलेबल है, 4 अवेलेबल ही नहीं है, तो ये पिक होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? जीरो। इसका मतलब क्या हो गया कि इफ पी इक्वल्स टू जीरो, इट मीन्स दैट इवेंट इज इम्पॉसिबल इवेंट। इतना क्लियर? अब 1, 2, 3 या 4 कहां से निकाल लेंगे? ठीक है, तो ऐसे इवेंट हमारे कहलाते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अब प्रोबेबिलिटी को हम मेजर कैसे करते हैं? तो देखिए, प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, और इसी को हम लिखते हैं नंबर ऑफ इवेंट, और टोटल आउटकम्स को कहा जाता है टोटल सैंपल स्पेस। तो अब नेक्स्ट जो है, इन दो टॉपिक को डिस्कस करते हैं, इवेंट क्या होता है और सैंपल स्पेस क्या होता है, क्योंकि इसी के हेल्प से हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए,
सबसे पहले इवेंट, इवेंट जो है इट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ओवरऑल पॉसिबिलिटीज का ही सबसेट होता है हमारा इवेंट। इसका मतलब क्या है, जो फेवरेबल आउटकम्स है इसको हम कहते हैं इवेंट। फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं, देखिए जैसे अगर हमारे पास कुछ नंबर दिए हुए 1, 2, 3 up to 10, अब इनमें से एक नंबर सेलेक्ट करना है और वो नंबर जो है 4 होने चाहिए, तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स क्या है कि वो 4 सेलेक्ट हो। इतना क्लियर? तो यहां पे नंबर ऑफ इवेंट क्या कितने होंगे, तो कितने ऐसे नंबर्स हमने बोला है कि उसकी प्रोबेबिलिटी हो, जैसे हमने यहां बोला है 4, तो कितने हैं 1, तो नंबर ऑफ इवेंट बन जाएगा 1। और सैंपल स्पेस इस केस में क्या होगा, क्योंकि हमें बाकी चीज से मतलब नहीं है, हमने बोला 4 सेलेक्ट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हमें सिर्फ 4 से मतलब है, तो नंबर ऑफ इवेंट हमारा 1 हो जाएगा। अब सैंपल स्पेस मीन्स ये कहलाता है ओवरऑल पॉसिबिलिटीज। देखिए फेवरेबल आउटकम्स क्या है कि दैट शुड बी 4, तो कितने एलिमेंट है 1, तो नंबर ऑफ इवेंट हो गया 1। अब सैंपल स्पेस को कहा जाता है ओवरऑल पॉसिबिलिटीज। ओवरऑल पॉसिबिलिटीज क्या है कि अगर हम एक नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं तो इट कुड बी 1, इट कुड बी 2, इट कुड बी 3, अप टू इट कुड बी 10, तो हमारे पास ये सारे के सारे पॉसिबिलिटीज हैं कि वो एक नंबर इनमें से कुछ भी हो सकते हैं। तो सैंपल स्पेस यहां क्या बन जाएगा, 1, 2, 3 up to 10, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए 1 से लेके 10 तक, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 10। इतना क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल आउटकम्स यानी कि नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल आउटकम्स यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये कितना है 1 और सैंपल स्पेस कितना है 10, तो 1 upon 10, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इतना क्लियर? नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट सैंपल स्पेस है, अब उसको देखते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो इसको अच्छे से समझिएगा, प्रोबेबिलिटी बड़े आराम से बन जाएगा। तो देखिए सैंपल स्पेस, सबसे पहले सैंपल स्पेस देखते हैं क्वाइन का। तो देखिए सबसे पहला कंडीशन, अगर हम सिंगल क्वाइन को टॉस करें तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस, तो ये बनेगा या तो हेड हो या तो टेल हो। अब एक क्वाइन को अगर हम टॉस करें तो उस पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो गया, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन ऑफ एस। एन एस हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 1 and 2। इतना क्लियर? कितने एलिमेंट है 2, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 बन गया। सेकेंड है कि अगर हम दो क्वाइन को टॉस करें तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा। देखिए पहला पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि दोनों ही क्वाइन पे हेड आए या हेड टेल आए, फर्स्ट पे हेड सेकेंड क्वाइन पे टेल, या फिर फर्स्ट क्वाइन पे टेल सेकेंड पे हेड, या फिर दोनों ही क्वाइन पे टेल है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो गया 1, 2, 3 and 4। नाउ थर्ड केस इज अगर तीन क्वाइन टॉस करें तो देखिए सैंपल स्पेस क्या बनेगा। सबसे पहला पॉसिबिलिटीज कि तीन हेड मिले, तो ऐसा कितने बार होगा, एक ही बार होगा कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों ही क्वाइन पे हेड आ जाए, उसके बाद दो हेड आए, ऐसा पॉसिबिलिटीज कितने बार होगा, तो देखिए या तो हेड हेड टेल हो, फर्स्ट टू क्वाइन पे हेड आए थर्ड क्वाइन पे टेल आए, या हेड टेल हेड हो सेकेंड पे टेल आए बाकी पे हेड आए, या फिर टेल हेड हेड हो
कि सेकेंड थर्ड पे हेड आए और फर्स्ट पे टेल आए। नाउ अब सिंगल हेड आए, इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी बनेंगी? तो हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, या एक पे भी हेड ना आए, इसकी पॉसिबिलिटीज सिंगल टाइम बनेगी कि तीनों ही क्वाइन पे टेल आ गया, कहीं पे भी किसी भी क्वाइन पे हेड नहीं आया। तो कितने सैंपल स्पेस हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहां पे हो जाएगा 8। अब देखिए इस 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1। अगर सिंगल क्वाइन टॉस किए हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बना 2 की पावर 1। इतना क्लियर? 2 क्वाइन टॉस किए हैं तो इस 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो 2 क्वाइन टॉस किए तो 2 की पावर 2। 3 क्वाइन टॉस किए तो इस 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3। तो उसी तरीके से अगर हम n क्वाइन टॉस करें तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा? 2 की पावर n। इतना क्लियर? नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका डाइस का। तो देखिए अब डाइस के कंसेप्ट को समझते हैं। अगर आपका सिंगल डाई थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? हो सकता है उस पर 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए या 6 आए। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए? 1 से लेकर 6 तक, टोटल काउंट 6। अब 2 डाइस अगर हम साथ में थ्रो करें तो देखिए सैंपल स्पेस क्या बनेगा? हो सकता है पहले डाई पे 1 आए, दूसरे पे भी 1 आए, पहले पे 1, दूसरे पे 2, इसी तरीके से 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, देन 3, 1, 3, 2 से लेके 3, 6 तक। सिमिलरली 4, 1, 4, 2 से लेके 4, 6 तक। फाइव, 1, 5, 2 और इसी तरीके से 5, 6 से लेके 6, 1 से लेके 6, 6 तक। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या बना इस केस में? तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18, 24, 30 और 36। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ये आ गया 36। इसी तरीके से 3 डाइस अगर हम इसको थ्रो करें तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या बनेगा? देखिए 1, 1, 1 से लेके 6, 6, 6 तक। टोटल कितने बनेंगे? देखिए इस 6 को लिखा जा सकता है 6 की पावर 1, 36 को लिखा जा सकता है 6 की पावर 2, 2 डाइस है तो 6 की पावर 2, 3 डाइस है तो 6 की पावर 3, दैट इज 216। तो 216 सैंपल स्पेस बनेंगे। इसी तरीके से अगर हम n डाइस थ्रो करें तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बनेगा 6 to the power n। इतना क्लियर? नाउ लास्ट है आपका प्लेइंग कार्ड्स। इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल है, अच्छे से समझिए। सैंपल स्पेस क्लियर है तो बाकी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस बड़े आसानी से बन जाएंगे। नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, बस यही करना होगा पूरे चैप्टर में। तो देखिए प्लेइंग कार्ड्स, तो एक प्लेइंग सूट्स में टोटल जो कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 52 कार्ड्स। इतना क्लियर? अब ये जो 52 कार्ड्स हैं ये 2 डिफरेंट कलर्स के होते हैं, एक होता है रेड कलर और एक होता है ब्लैक कलर कार्ड्स।
तो देखिए रेड कलर के होते हैं 26, ब्लैक कलर्स के होते हैं 26, तो 26 प्लस 26 52। अब देखिए रेड कलर के कौन कौन से होते हैं, तो देखिए इसको दिमाग में कैसे रखें। पहला है डायमंड, डायमंड को हिंदी में कहते हैं ईंट। ईंट आप देखते हैं ब्रिक्स के नाम से आप जानते होंगे, रेड कलर का होता है, तो इससे आप दिमाग में रखिएगा कि डायमंड रेड कलर कार्ड है। दूसरा होता है हार्ट, हार्ट देखिए एक ह्यूमन बीइंग है, अगर उसका हार्ट निकाले तो लाल लाल कलर हो जाएगा, या किसी का ऐसा करना नहीं है, तो ये हार्ट, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज, अब ब्लैक कलर कौन कौन से हो गए, तो बाकी बचे दो स्पेड और क्लब, ये जो होते हैं ये ब्लैक कलर कार्ड हो गए। ये दो दिमाग में रख लीजिएगा, तो ये दो बाय डिफॉल्ट दिमाग में आ जाएगा कि ये दो रेड और ये दो ब्लैक कार्ड्स, इतना क्लियर। नाउ अब ये होते हैं टोटल 13, तो 13 प्लस 13 26, सेम यहां 13 कार्ड्स, इतना क्लियर। अब आपसे पूछा जाए कितने हार्ट होते हैं एक प्लेइंग सूट में, तो 13। कितने स्पेड कार्ड होते हैं, तो 13। कितने क्लब कार्ड होते हैं, तो 13। कितने डायमंड कार्ड होते हैं, तो 13। कितने रेड कलर कार्ड होते हैं, तो 26। कितने ब्लैक कलर कार्ड्स होते हैं, तो 26, क्लियर। अब ये 13 होते कौन कौन से हैं इसको देखिए, एस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, किंग, क्वीन और जैक, इतना क्लियर। 1 से लेके 10, 1 मीन्स 1 से लेके 10 तक, किंग, क्वीन, जैक, 13 हो गए। तो देखिए ऐसे ही यहां पे भी होंगे, यहां पे भी होंगे, और क्लब के भी 13 ये कार्ड्स होंगे। तो अब एक प्लेइंग सूट में अब आपसे पूछा जाए कितने इक्के होते हैं, एस कार्ड कितने हैं, तो एक इसके, एक इसके, एक इसके, एक इसके, तो 4, ये भी 4, इसी तरीके से सारे कार्ड 4-4 होंगे, इतना क्लियर। तो देखिए यहां से अब आपसे पूछा जाए कितने रेड कलर किंग होंगे, तो रेड कलर के ये दो होते हैं, तो इन दोनों के किंग, तो क्या आंसर हो जाएगा, 2। कितने रेड कलर के जैक कार्ड होते हैं, तो 2। कितने रेड कलर के 6 नंबर के कार्ड होते हैं, तो 2। कितने रेड कलर के 3 नंबर के कार्ड्स होते हैं, तो 2। कितने ब्लैक कलर के एस कार्ड्स होते हैं, तो देखिए 1, 2, 2 डिफरेंट टाइप्स है ब्लैक कार्ड्स के, तो एक स्पेड का इक्का और एक क्लब का इक्का, तो टोटल एस कार्ड कितने हो गए, 2, इतना क्लियर। नाउ अब एक लास्ट चीज है फेस कार्ड। फेस कार्ड क्या होते हैं, वो कार्ड जिसपे चेहरे बने होते हैं, फेस नाम ही है, देखिए फेस मतलब क्या होता है, चेहरा, तो वैसा कार्ड जिसपे चेहरा बना हो। तो कौन कौन से कार्ड पे चेहरे बने होते हैं, तो एक किंग, क्वीन, जैक, तो टोटल प्लेइंग सूट में 52 कार्ड्स में कितने फेस कार्ड होंगे, तो 3 इसके, 3 इसके, 3 स्पेड के, 3 क्लब के, कितने हो गए, 12 फेस कार्ड, इतना क्लियर। कौन कौन से होते हैं फेस कार्ड, किंग, क्वीन और जैक, इतना क्लियर। अब आपसे पूछा जाए कितने रेड कलर के फेस कार्ड होते हैं, तो 3 इसके और 3 इसके, 6। कितने ब्लैक कलर के फेस कार्ड होते हैं, तो 3 प्लस 3, 6, इतना क्लियर। कितने किंग जो है फेस कार्ड में ही किंग और क्वीन जैक तीनों आ गया, अगर अलग से पूछा जाए कि कितने किंग के कार्ड होते हैं रेड कलर के, तो वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 2, ठीक है। तो अगर इतना आपने समझ लिया तो प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन बड़े आसानी से बन जाएगा। नाउ एक और चीज है जो आपको समझना जरूरी है, कई बार किसी सर्टेन चीज की प्रोबेबिलिटी हमारे पास दी होती है और उसकी ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाती है। तो देखिए पी अगर हम मान ले प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग को
और क्यू मान ले प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, मतलब कुछ होने की संभावना दैट इज पी, और वो ना होने की संभावना उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्यू से। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, पी प्लस क्यू इज ऑलवेज इक्वल टू वन। तो अगर मान लीजिए दिया हुआ है कि बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है 0.25, तो ना होने की क्या होगी, तो हमें क्या निकालना है क्यू। कैसे निकालेंगे, देखिए पी प्लस क्यू इक्वल टू होता है वन, तो यहां से क्यू क्या बन जाएगा, वन माइनस पी, तो इसको वन से माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 0.75। रिवर्स भी हो सकता है, अगर क्यू दिया हुआ है नॉट हैपनिंग दिया हुआ है और पी जो है हैपनिंग का पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, तो क्यू दिया है तो पी कैसे निकलेगा, तो पी निकलेगा वन माइनस इस क्यू को इधर ले जाइए, क्यू निकालना है तो इस पी को इधर ले जाइए, ठीक है। तो आई होप कि ये चीजें क्लियर हों। सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट मीन्स फेवरेबल आउटकम्स, सैंपल स्पेस मीन्स ओवरऑल आउटकम्स, ठीक है। तो इसी के ऊपर फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसको नाउ नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे, एंड आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हों। थैंक यू।